ठाकुर द्वारा के विकासखंड डिलारी के ग्राम पंचायत के सिठाबली में एक किसान ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान इलियास का आरोप है कि उनकी भूमि गांव के ही पास ठाकुर द्वारा मुरादाबाद हाईवे पर है, जिसमें जानकारी के बगैर जिला पंचायत निधि से एक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका शिकायती पत्र 30 जून 2021 और दूसरा शिकायती पत्र 23 नवंबर 2021 को उप जिलाधिकारी को दिया गया था, जिसमें उप जिलाधिकारी ठाकुर द्वारा ने जमीन की पैमाइश कराई तो जमीन रास्ते की ओर निकल आई, जिसमें उन्होंने राजस्व विभाग की सहमति के चलते 1 दिसंबर को अपनी दीवार खड़ी कर दी, जिसमें अब तहसीलदार कानूनगो और 5 लेखपालों ने मौके पर पहुंचकर उनकी दीवार गिरा दी। वहीं किसान इलियास ने तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब उन्होंने तहसीलदार से बात करना चाहा तो तहसीलदार ने उनके साथ अभद्रता की, इसके साथ ही मुकदमा लिखने की धमकी भी दी, जिसके बाद पीड़ित ने उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। वहीं उप जिलाधिकारी ने पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। एडीएम साहब ने आदेश करा, उसमें टीम बनी, 4-5 पटवारी और कानूनगो आए और थाने से पुलिस आई, दरोगा भी है। उन्होंने पैमाइश करी तो सही पाया गया, तो उन्होंने हमसे कह दिया भैया हम आ जाएंगे कल। मतलब पैमाइश में सही पाया गया कि आपकी भूमि है? हमारी भूमि है। फिर क्या हुआ उसके बाद? और बोले तुम हम आ जाए कल देंगे, अपनी दीवार कर लो। हमने दीवार चालू करा दी। ये किसने कहा आपने दीवार कर लो? कानूनगो साहब ने। कानूनगो साहब जब हमारी दीवार होती रही है, सलीम की दुकान पे बैठे रहे। अच्छा। बजी बजा फुट की दुकान है उनकी, सलीम की, तो वहाँ बैठे रहे कुर्सी पर। जी। दीवार हमारी करीब 5-6 फीट हो गई। उसके बाद वो आते हैं कि दीवार बंद कर दो, पता नहीं किसी का प्रेशर हुआ, फोन हुआ, क्या हुआ। मैंने कहा ठीक है सर, हमने दीवार पर हमारी 1 हफ्ते तक दीवार खड़ी रही है। 1 हफ्ते दीवार रही फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तहसीलदार साहब आए आज तो मैं भी घर से आ गया, पता चला तो मैं उनका अधिकारी आए भैया अपनी बात सुनाएंगे, तो साहब हमारी नहीं सुनी, मेरे साथ में वो ही बर्ताव करा, कुछ करना चाहिए। किस तरह का बर्ताव किया आपके साथ? मैंने कि साहब मुझ पर कागज है इसके, आप रिकॉर्ड देख लो, अगर मेरे में है आप निकलवा दो। जी। बोले डंडे इतने पड़वाऊंगा या याद करे तहसीलदार ने आपको धमका नहीं कुछ धमकाया? साहब उनकी बात सुन के मैं जो वहाँ से बच गया, मैं एडीएम साहब के यहाँ चला गया, उस बीच में मेरी 6 फीट दीवार भी गिरा दी और चौका इधर से उधर फेंक दिया, बजरी बजट छूट पड़ा है 1-2 टिलारी और करीब 8-10 हजार चौका मेरे इस जगह पड़ा। इसके बाद तुम किसी आला अधिकारी से मिले? एडीएम साहब से मिला मैं। क्या आश्वासन मिला आपको? सुनाया उन्होंने अपना हालात, मंत्री साहब ये पुलिस ने। क्या आश्वासन मिला एडीएम साहब? वो बोले कि मैं 1-2 दिन में इसका निस्तारण करूंगा, तुम्हारी जमीन में रास्ता नहीं निकलेगा, तुम्हारी जमीन में रास्ता नहीं है। अच्छा, क्या चाहते हो आप अब? हम यही चाहते हैं जो हमारी दीवार में लागत लगी है उसका हर्जाना देंगे तहसीलदार साहब। वहीं इस मामले में तहसीलदार से बात की गई तो तहसीलदार कैमरे से बचते नजर आए। अब देखना यह है कि क्या पीड़ित किसान को न्याय मिल पाएगा या नहीं।